बढ़ती बेरोजगारी के बीच अपने भविष्य को लेकर चिंतित सहायक अभियंत्रण परीक्षार्थी संघ ने एका के तहत आज पटना में जमकर प्रदर्शन किया। सरकार की नींद नहीं खुल रही नारों के साथ बीपीएससी सहायक इंजीनियर परीक्षार्थी धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि बीते 2017 में हुए परीक्षा परिणाम नहीं मिल पाने से नाराज परीक्षार्थियों ने काला बिल्ला बांध कर अपनी नाराजगी जाहिर की। रोजगार है, ये रोजगार के बहकावे में हम लोग आज पूरी दिन हर चीज, जो बच्चे अच्छी जॉब में थे वो भी छोड़ के बीपीएससी के इंतजार में रह गए कि स्टेट गवर्नमेंट की ये जिंदगी चलेगी। ऐसी आशाएं क्यों पालती है सरकार जब अपडेट नहीं कर सकती उस चीज़ों को। मैं कह रहा हूँ हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम मजदूरों की तरह हमें ट्रीट नहीं किया जाए। हमें उस जगह पे पहुंचूंगा जहां लोग नहीं पहुंचेंगे। हमें जेल से सर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास क्या है जो मैं लेके जाऊंगा। सब लोग ऐसे भूखे हैं, नंगे, किसी को कुछ मतलब नहीं है। आप बस मीडिया वाले से इतना ही सपोर्ट चाहिए कि सही चीज़ों को दिखाइए। निजी चीज़ें बिक चुकी है ऑलरेडी, सर कंट्री का क्या हाल है सबको पता है। हम युवाएं अगर हर चीज़ में सपोर्ट करने लगे, पहले से औकात हमारी कटोरी की थी भी और आज तो पूरी कटोरी भी खत्म होने वाली है। गौरतलब है कि बीते 2017 में हुए परीक्षा परिणाम नहीं मिल पाने से नाराज परीक्षार्थी ने काला बिल्ला बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि इस बार रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज, पटना।